सोलन में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहसल ने सोलन का दौरा किया। इस मौके पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहसल, महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर और भाजपा नेता राजेश कश्यप भी मौजूद रहे। राजीव सहजल ने 7 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दौरे को लेकर उपायुक्त सोलन केसी चमन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिस स्थान पर मुख्यमंत्री का आगमन होगा उन स्थानों का जिला प्रशासन और कार्यकर्ताओं के साथ मुआयना भी किया। आने वाले नगर निगम चुनावों में भाजपा के कार्यालय किस स्थान पर होना चाहिए, जहां से चुनावों की रणनीति बनाई जा सके, इसके लिए भी चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने इस मौके पर कहा कि भाजपा द्वारा 7 मार्च को आभार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सोलन की जनता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का सोलन को नगर निगम का तोहफा देने के लिए आभार व्यक्त करेगी, उनका अभिनंदन करेगी। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने सोलन के साथ अन्याय किया है और सोलन नगर निगम की मांग को कभी भी पूरा नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री हिमाचल ने सोलन वासियों की बात को समझा, उनकी मांग को पूरा किया। यही वजह है कि सोलन वासी बेहद खुश हैं और उनका धन्यवाद करने के लिए वे भारी संख्या में आभार कार्यक्रम में एकत्र होंगे। तमाम सोलन की जनता सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बेसब्री से उनका इंतजार कर रही है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो न्याय कांग्रेस की सरकार जो है सोलन के साथ न कर सकी, जो सोलन का अधिकार बनता था नगर निगम होने का, तो वो अधिकार जो है हमको कांग्रेस के शासनकाल में प्राप्त नहीं हुआ। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो ये न्याय जो है ठाकुर जयराम जी ने किया है और सोलन को नगर निगम का दर्जा दिया है। एक ये मैं कहना चाहता हूँ कि ऐतिहासिक निर्णय है हमारी सरकार का, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का, और 7 तारीख को नगर निगम के सभी लोग और आसपास के हमारे इस क्षेत्र के सभी लोग सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए यहीं इसी स्थान पर जहां हम आपके साथ यहां खड़े हैं, सब लोग यहां पर एकत्र होंगे और सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। और सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि ये नगर जो है ये मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश में सबसे तेज़ गति से बढ़ता हुआ शहर है और उसी के अनुपात में इस शहर की समस्याएँ भी हैं। नगर निगम बन जाने से अब उन समस्याओं के समाधान का जो है वो रास्ता जो है वो निकल गया है, और उस दिन सम्मानीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस नगर निगम को बहुत सी सौगातें भी देकर के जाने वाले हैं। बहुत उत्साह है तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। आज डॉक्टर राजीव बिंदल जी के नेतृत्व में एक विस्तृत योजना जो है सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जो है वो सफल रहे, और सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का हम जो है पूरी गर्मजोशी के साथ यहाँ पर हम स्वागत करें, उसकी पूरी योजना आज यहाँ पर बनी है। और मैं पूरे दावे से ये बात कहना चाहता हूँ कि सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जो है उस दिन जो है बहुत लोग जो हैं यहाँ पर सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में उनका आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर उमड़ेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आभार कार्यक्रम जो है ये मैं समझता हूँ एक सबसे बड़ा जो है वो कार्यक्रम है, क्योंकि इससे बड़ा फैसला जो है वो सोलन के लिए जो है वो नहीं हो सकता था, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ।